नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। आज बात करने वाले हैं दिल्ली की सियासत को लेकर। जी हां, अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद, लगातार बाहर आने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही देखा जाए तो दिल्ली के सियासी गलियारों में अलग अलग तरीके की चीजों को लेकर हलचल मची हुई है। सबसे बड़ी बात अगर देखी जाए तो कहीं ना कहीं दिल्ली में राष्ट्रपति शासन की बातें फिर से एक बार उबाल मारती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, राष्ट्रपति शासन को लेकर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ी हुई है, ये कहा जा रहा है कि इसके पहले कोई चर्चा क्यों नहीं हुई। जब विधानसभा चुनाव नजदीक आ गए, इस तरीके की कवायद निकल कर आना कहीं ना कहीं इस बात की तरफ संकेत देते हैं कि आम आदमी पार्टी की जो सरकार है, जो कैबिनेट है, उसको बर्खास्त किया जा सकता है। और वहीं भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक है, वो ये अपनी मांग, अपनी ज्ञापन को लेकर सचिवालय पहुंचते हैं और सचिवालय से वो जो है उनका ज्ञापन वो पहुंच जाता है अमित शाह तक, गृह मंत्रालय तक। अब ऐसे में देखना होगा कि क्या वाकई में इस बात को इतना सीरियस लिया जाएगा, क्या अरविंद केजरीवाल का जो 5 महीने का कार्यकाल बचा है, क्या उसको वो गवाते हुए नजर आएंगे, या भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने के लिए इस तरीके का गेम प्लान करती हुई नजर आ रही है, और क्या आम आदमी पार्टी इन सब चीजों से निकलकर एक बार फिर से कमबैक करती हुई नजर आएगी। सभी की नजरें कहीं ना कहीं इसी बात को लेकर टिकी हुई है। लेकिन उसके साथ ही देखा जाए तो अभिषेक मनु सिंह भी जिस तरीके से आम आदमी पार्टी को लगातार राहत दिलाते हुए नजर आए, चंडीगढ़ के मामले से अगर देख लिया जाए तो संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, के कविता, अब तमाम ऐसे नाम है जहां पर अभिषेक मनु सिंह भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए एक वरदान के तौर पर साबित हुई है। और वही कारण है कि मनीष सिसोदिया अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए पूरी जद्दोजहद करते हुए नजर आ रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं और लगातार जनता के बीच में जाकर आम आदमी पार्टी के उन कामों को बताने की कोशिश कर रहे हैं जो आम आदमी पार्टी ने इतने सालों से दिल्ली की जनता के लिए किया है। लेकिन वही अगर देखा जाए तो बीते जो चुनाव हुए हैं विधानसभा के, उसमें आम आदमी पार्टी बेहतर प्रदर्शन करते हुए नजर आई और भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व ही नहीं देखने को मिलता है। जी हाँ, 70 सीटों में से 62 सीटें अरविंद केजरीवाल जीतते हुए नजर आते हैं, और इस बार अगर वो कम ही सीटें लेकर आते हैं तभी माना जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल के लिए दिल्ली चुनाव को हरा पाना कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए टेढ़ी ही हो सकती है। लेकिन अभी जो समीकरण बन रहे हैं, राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी की जो मुश्किलात उभरते हुए नजर आएंगे। लेकिन फिलहाल अभी देखा यह जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल को अगर राहत मिल जाती है तो शायद सभी चीजें संभलती हुई नजर आए और आम आदमी पार्टी को बड़ी राहत मिलने की भी संभावना जताई जा रही है। फिलहाल ये कवायद एक बार फिर से निकलती हुई नजर आई है, तो उसका क्या फायदा होगा, दिल्ली की जनता क्या इससे गुमराह होती हुई नजर आएगी, या फिर दिल्ली के सीएम के तौर पर केजरीवाल को फिर से चुनती हुई नजर आएगी, आपको क्या कुछ लगता है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट नाइन न्यूज़।